आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक वार्ड स्तर पर हम युवा चौपाल लगाएंगे। युवा चौपाल के माध्यम से हम युवाओं के बीच में जाएंगे, वहाँ बताएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार देश ने फ्रजाइल 5 कमजोर अर्थव्यवस्था से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, जहां हम स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक दुनिया की विदेश नीति की बात करें, दुनिया की कूटनीति की बात करें, युवाओं के रोजगार के अवसर की बात करें। मैं कहना चाहूँगा एक लाइन में हम लोग इसको कैसे समोए सकते हैं, मैं बताएं एक पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दलित पीड़ित शोषित वंचित अगड़े पिछड़ों का चिंतन ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन ही श्रद्धेय अटल जी का चिंतन है, अटल जी का चिंतन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का चिंतन है, मोदी जी का चिंतन ही भाजपा का चिंतन है, और भाजपा का चिंतन ही पूरे भारत का चिंतन है, भारत का चिंतन ही पूरी दुनिया का चिंतन है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं किस प्रकार से MSME के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया गया, कैसे हम लोग पूरा देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, चाहे एयरपोर्ट की बात करी जाए, कनेक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कनेक्टिविटी हुई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आज पूरा भारत दुनिया के पटल पर आज स्थापित हो गया है। आज वहीं दुनिया में बात करी जाए तो भारत की वैश्विक छवि आज एक नंबर की हो चुकी है। आज धब्बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई करने के लिए आते हैं। और इस 2014 से पहले हम देखते हैं तब देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो वहाँ का डेलीगेट्स उसके प्रधानमंत्री को लेने। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात की अहमियत है।